वंस अगेन वेलकम बैक इन माय ट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पंडित और आप देख रहे हैं यूनिक चैनल मेक योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग? होप अच्छे होगे और अपने घर में बैठ के अच्छे से स्टडी कर रहे होगे। फ्रेंड्स वैसे तो मैंने माइक ले लिया है, आप सब ने बोला था सर आवाज का करिए कुछ, मैंने किया कुछ। और कल संडे था तो कल तो वीडियो नहीं आया। आज हम लोग स्ट्रक्चर के तीसरे पार्ट पे हैं, मींस हमारा एपिसोड 4 है बट पार्ट तीसरा है। पहला पार्ट तो इंट्रोडक्शन था, उसके बाद हमने कॉलम के बारे में देखा, फिर हमने बीम के बारे में देखा। मे भी बहुत से आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे। थैंक यू सो मच, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हो तो मुझे ना आइडिया लगता है ओके ये चीजें भी हमें मेंशन करना है। कई लोगों ने बहुत अच्छे सजेशन दिए, थैंक यू सो मच यार। आप लोग ऐसे ही सजेशन देते रहो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहो और ऐसे ही अगर सपोर्ट करते रहे तो माइक के बाद नेक्स्ट नंबर है कैमरा का, कैमरा भी आ जाएगा, फिर तो बल्ले बल्ले हैं। चलो आज बात करते हैं स्लैब के बारे में। स्लैब किसको नहीं पता है, सबको पता है। कहते ना रोटी कपड़ा मकान, और मकान में सबसे ऊपर होता है। कहते ना छत, जिसके ऊपर छत हो उसका तो कोई जवाब ही नहीं। मतलब बहुत खुश किस्मत इंसान होता है जिसके पास छत है, क्योंकि बहुत से लोग हैं इंडिया में जिनके पास छत भी नहीं है। चलिए बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। ये छत के बारे में थोड़ा डीप डिस्कशन करते हैं। हमें और आपको, हम सबको केवल और केवल एक टाइप का स्लैब पता होता है, जिसको हम लोग वन वे बोल देते हैं या टू वे बोल देते हैं। उसमें भी थोड़े थोड़े जो फ्रेशर बच्चे रहते हैं कंफ्यूज रहते हैं, यार ये वन वे क्या होता है, टू वे क्या होता है। फिलहाल हर एक सेशनल एग्जाम, इंटरनल एग्जाम वगैरह पे पूछा जाता है ये। तो फिर आप कुछ दिन तक पढ़ने के बाद क्लियर हो जाता है कि एल वाई बाई एल एक्स इज लेस देन टू, अगर वो दो से छोटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, टू वे स्लैब हो जाएगा। और दो से अधिक हो जाएगा एल वाई बाई एल एक्स तो क्या हो जाएगा, वो वन वे स्लैब हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लूं, कि कई लोगों को मान लो जो बच्चे फ्रेशर होंगे उनको प्रॉब्लम जाएगी, तो जैसे कि आपके पास एक स्लैब है जिसका जो कि एक तरफ का स्पैन है वो है 7 मीटर है, कितना है 7 मीटर है, और दूसरे तरफ का स्पैन कितना है, दूसरे तरफ का स्पैन है 3 मीटर, कितना है 3 मीटर। LY, LY क्या है, लॉन्गर स्पैन, लॉन्गर स्पैन कितना है 7 मीटर डिवाइड बाई 3 मीटर, तो कितना आया 2 point something आएगा, लाइक मोर देन 2। तो जब मोर देन 2 आएगा तो क्या हो जाएगा, ये वन वे स्लैब हो जाएगा। और यही चीज अगर ये 5 रहा होता और ये 3 रहा होता तो क्या होता है, 5 divided by 2 तो क्या होता, 2 से कम आती वैल्यू डेफिनेटली, क्योंकि 5 divided by 3 तो 3 से मतलब कि 2 से कम ही आता है वैल्यू, कुछ आती 1 point something। ठीक है, अब इतनी मैथ अपनी लगा लेना, M1 M2 बहुत पढ़े हो। ठीक है, तो ये होती है वन वे और टू वे स्लैब। दूसरा क्या है, इनके बीच में डिफरेंस रहता है, वो डिफरेंस रहता है कि टू वे स्लैब चारों साइड से स्पैन कवर रहता है उसमें, मतलब चारों साइड से बीम रहता है, और जो वन वे स्लैब होता है इसमें दो साइड से रहता है सपोर्ट्स, मतलब बीम्स दो साइड से रहती हैं। ऐसा थियोरेटिकल होता है, बट प्रैक्टिकल जो हम लोग साइड करते हैं कभी कभी ऐसा करना पड़ता है कि चारों साइड से बीम भी लेना पड़ता है एज पर डिमांड, एज पर साइड, क्योंकि वहां पर अगर लोड ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है तो हमें बीम चारों साइड से देना पड़ता है। बट थियोरेटिकल पार्ट में क्या होता है, और वन वे स्लैब में वन साइड सपोर्ट, मतलब कि बीम ऐसे जाएगा केवल, और टू वे में दोनों साइड से सपोर्ट्स होते हैं। ये होता है मेन डिफरेंस। बट आपको क्या लगता है केवल इतना ही स्लैब होता है वन वे और टू वे? नहीं जी, ये तो एक टाइप था स्लैब का। क्या था ये? एक टाइप था स्लैब का। स्लैब इसको एक्चुअली बोलते हैं कन्वेंशनल टाइप स्लैब। क्या? कन्वेंशनल स्लैब, जिसके अंदर दो पार्ट है वन वे और टू वे। स्लैब यहीं पर खत्म नहीं होता है। स्लैब के अप्रोक्स 16 टाइप्स हैं। कौन कितने टाइप्स हैं? 16 टाइप्स हैं, जिसमें से कुछ तो हम लोग यूज करते रहते हैं, जैसे कि हम लोग वन वे टू वे तो हम लोग यूज ही करते हैं। इसके बाद फ्लैट स्लैब यूज करते रहते हैं, और फ्लैट स्लैब के अंदर भी 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? एक है नॉर्मल फ्लैट स्लैब, एक है फ्लैट स्लैब विद ड्रॉप पैनल, फिर एक है फ्लैट स्लैब विद कॉलम हेड, और एक है फ्लैट स्लैब विद ड्रॉप पैनल एंड कॉलम हेड। अब देखो क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चंस पूछो, मे भी मुझे भी ना आए तो मुझे भी स्टडी करना पड़े। आपको पूछना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार ये नॉर्मल फ्लैट स्लैब कब डालते हैं, फ्लैट स्लैब विद ड्रॉप पैनल, ये ड्रॉप पैनल क्या क्या मतलब है, और ये फ्लैट स्लैब होता क्या है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो फ्लैट स्लैब क्या होता है, सबसे पहले इसको बताता हूँ। द स्लैब विच इज बीमलेस, द स्लैब विच इज बीमलेस इज कॉल्ड फ्लैट स्लैब। पहले लाइक ठोको यार, क्योंकि मैंने पार्ट वन में आपने बड़ा लाइक दिया, टू में कम, थ्री में कम, फोर्थ में ज्यादा चाहिए। आप बिलीव करो किस तरीके से मैं टाइम निकाल के आपके पास आता हूँ, ये मैं जानता हूँ। मैं कभी किसी को बताता नहीं कि क्या हालत हुई रहती है मेरी जॉब के साथ, ये करना प्लस ऑनलाइन क्लासेस लेना बहुत हैटिक काम होता है, और मैं कर रहा हूँ मुझे पता है। मतलब आज तो ऐसा हो रहा था कि कर ही नहीं पाऊंगा, फिर भी मैंने किया। चलिए, तो लाइक कर देना इसके लिए, इतना प्रवचन मैंने सुना है, सॉरी। तो अब इसके बाद
तो अब इसके बाद क्या होता है, फ्लैट स्लैब जो होता है, द स्लैब व्हिच इज बीमलेस इज कॉल्ड फ्लैट स्लैब, करेक्ट, ये सब आप सबको पता है। फिर इसके अंदर ये ड्रॉप पैनल क्यों लगा देते हैं, ड्रॉप पैनल इसलिए लगाते हैं क्योंकि स्लैब के ऊपर जब पंचिंग शियर बढ़ जाता है, तो डायरेक्ट अगर स्लैब का लोड कॉलम पे ट्रांसफर करोगे तो डिफ्लेक्शन आ जाएगा, बकलिंग हो सकती है, तो क्रैकिंग क्राइटेरियाज आ जाएंगे जो कि आपको प्रॉब्लम करेंगी। तो क्यों, क्योंकि पंचिंग शियर बढ़ जाता है। अब ये बोलोगे सर पंचिंग शियर क्या होता है, क्वेश्चन पूछो पंचिंग शियर क्या होता है, तो पंचिंग शियर मतलब होता है लोकल शियर, क्या लोकल शियर, ओके। अब सपोज मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे बैठा हूँ और इसके जस्ट नीचे कॉलम है और मान लो फ्लैट स्लैब है। अब सोचो यहाँ पर आप सब आगे, मान लो कि 2000 लोग इधर आगे, 2000 लोग इधर आगे, 2000 लोग इधर आगे, 2000 लोग इधर आगे, चारों तरफ से आगे, क्या होगा, लोकल शियर बढ़ जाएगा ना, लोकल शियर, लोकल वेट बढ़ रहा है, जब बढ़ रहा है तो अब इस स्लैब को ट्रांसफर करना होगा अपना कॉलम पे लोड, तो बड़ा ही मुश्किल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए पंचिंग सी सॉरी उसके लिए हम लोग ड्रॉप पैनल लगा देते हैं। तो ड्रॉप पैनल क्या करता है, बीम की तरह काम करता है, तो वो आपके स्ट्रक्चर के लिए अच्छा रहता है और इजिली लोड ट्रांसफर हो जाता है। फिर आपने और थोड़ी सी पढ़ाई की, आपको पता चला फ्लैट स्लैब विद कॉलम हेड, ये कॉलम हेड क्या होता है सर, तो कॉलम हेड कब यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास होना चाहिए, सपोज ये बुक है, क्या है, एक बुक है और ये सपोज एक स्लैब है, क्या ये एक स्लैब है। अब इस स्लैब का एरिया जो है बहुत ज्यादा है, इस स्लैब का एरिया जो है बहुत ज्यादा है, करेक्ट। अब यहां पर अगर मैं कॉलम लगाऊं ऐसे करके कॉलम लगाऊं, तो देख लो क्या हो रहा है, कॉलम का कॉलम गिर रहा है, मतलब स्लैब आपकी गिर रही है इधर से, करेक्ट। क्यों, क्योंकि एरिया लार्जर है और लोड ट्रांसफर करने में उसको प्रॉब्लम जा रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है, राइट। लेकिन इसी के जगह पे अगर हमने इसको ऐसे कर दिया, देखो नीचे हाथ मेरा देखो कैसे हुआ है, यहाँ पे ये मैंने स्प्रेड कर दिया, क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया, इसी को क्या बोलते हैं कॉलम हेड, स्प्रेड कर दिया। तो क्या हुआ, अब इसने इसका भी ट्रांसफर कर लिया, इसका भी ट्रांसफर कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड कॉलम हेड। तो कॉलम हेड क्या करता है, जस्ट लाइक आइसोलेटेड फुटिंग होता है, बस आइसोलेटेड फुटिंग को उल्टा कर दो तो कॉलम हेड बन जाता है। तो ये क्या करता है, आराम से लार्जर एरिया के शियर को कवर कर पाता है। लोकल शियर तो पास पास के आ रहे थे, बट ये लार्जर एरिया का कवर कर लिया इसने। और कभी कभी ऐसा होता है कि लार्जर एरिया भी रहता है और आपका लोकल शियर भी रहता है, तो उस टाइम पे ड्रॉप पैनल और कॉलम हेड दोनों साथ में लगा देते हैं। तो ये था ऑल अबाउट फ्लैट स्लैब, और भी बहुत कुछ है फ्लैट स्लैब में, लेकिन उसको आपको जाके स्टडी करना पड़ेगा अपने बुक में, तो क्योंकि फ्लैट स्लैब ही बताते रह जाएंगे तब। तो आपको फ्लैट स्लैब तो समझ में आ गया, आपको अपना नॉर्मल कन्वेंशनल स्लैब तो समझ में आ गया, करेक्ट, वेरी गुड। अब और कौन कौन से टाइप्स का स्लैब होते हैं जो जनरली यूज करते हैं, आपने वेफल स्लैब देखे होंगे, वेफल स्लैब जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स होते हैं उसमें होते हैं, इसके भी दो टाइप, एक रेक्टेंगुलर है, एक क्या बोलते हैं आपका ट्रेंगुलर है, दो टाइप्स के जनरली वेफल स्लैब डाले जाते हैं। तो बैफल स्लैब है, बैफल स्लैब के बाद हार्डी स्लैब है आपकी, हार्डी स्लैब में क्या होता है उसमें ब्रिक्स यूज करते हैं और उसके थ्रू बनाते हैं। हार्डी स्लैब के बाद आपका क्या होते हैं, आप लोग अभी देखते हो जैसे विंडो है, विंडो के बाहर आप देखते हो सनसेट का जो स्लैब होता है वो भी एक स्लैब का टाइप है। एक होता है लो हीट स्लैब, लो हीट स्लैब आपने देखा होगा आपके घरों में, जैसे घर के अंदर डोर से एंट्री करते हो तो जो 7 फीट पर आपका डोर खत्म हो जाता है उसके बाद 7 to 10 फीट के बीच में एक स्लैब डाल दी जाती है, उसको बोलते हैं लो हीट स्लैब। क्या बोलते हैं उसको, लो हीट स्लैब। आपके अलमीराज के ऊपर ऐसे एक स्लैब डाल दी जाती है, अलमीराज के ऊपर अभी तो कम यूज करते हैं, अभी लोग वुड का ज्यादा यूज करते हैं, तो वो जो स्लैब डाली जाती है दैट इज कॉल्ड लो हीट स्लैब। तो ये भी एक स्लैब का टाइप है। इसके बाद आपके ग्रेडेड स्लैब्स होते हैं, इसके बाद आपका सस्पेंशन केबल स्लैब होता है जिसमें सस्पेंशन केबल्स होते हैं, केबल के थ्रू पूरा स्लैब अटैच रहता है, तो वो भी स्लैब का एक टाइप है। तो ये सारे जो स्लैब के टाइप्स हैं, आपको कहीं ना कहीं सुकेन स्लैब होता है जो आप बाथरूम में किचन में सब ज्यादा यूज करते हो, जिसमें से आप ड्रेनेज आराम से कर सकते हो, जैसे कि आप सिंक वगैरह लगाते हो तो उस एरिया में सुकेन स्लैब लगाते हैं, तो ये भी एक स्लैब का अलग अलग टाइप्स है। तो ये सारे स्लैब्स आपको आर्च टाइप स्लैब आपने देखा होगा, पहले के टाइम में जो राजा महाराजा ऐसे स्लैब्स लेते थे ऐसे करके ऐसे उनकी डिजाइन होती थी, तो वो जो डिजाइन होती थी क्या होती थी, वो आर्च टाइप स्लैब होती थी। तो आर्च टाइप स्लैब का भी अपना एक अलग प्रॉपर्टी है। किचन स्लैब आपने देखा होगा, किचन स्लैब ये भी स्लैब का टाइप है, जो आप देखते हो ना किचन में रोटी बनाने के लिए, वो क्या है, वो स्लैब का एक टाइप है। तो क्योंकि क्या बोलते हैं उसकी भी डिजाइनिंग करनी पड़ती है कि भाई इसके लिए कितना आपको कैंटिलीवर डालना है इसको, क्योंकि ऑफकोर्स वो वॉल से अटैच रहता है। तो इसे ऐसे बहुत से ढेर सारे टाइप के स्लैब है, टोटल 16 टाइप का स्लैब है। जनरली जो जो मैं यूज करता हूँ वो मैंने आपको बताया। अब इसमें प्रीकास्ट स्लैब है, अब प्रीकास्ट में भी दो टाइप्स है आपको पता होगा, एक होता है पोस्ट टेंशन, एक होता है प्री टेंशन स्लैब। तो ये प्री टेंशन कहाँ पे यूज करते हैं, पोस्ट टेंशन कहाँ पे यूज करते हैं,
जब मेंबर का साइज छोटा रहता है तो उसको क्या करते हैं, प्रीटेंशन करके रखते हैं। प्रीटेंशन इन द सेंस फैक्ट्री के अंदर ही हमने स्टील प्रोवाइड कर दिया, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद उसको ले जाकर ट्रांसफर करके डायरेक्ट साइट पर प्लेस कर दिया। बट क्या होता है, जब मेंबर्स हमारे बड़े बड़े हो जाते हैं, स्पैन बड़ा हो जाता है, तो उस पर अगर हम स्टील का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे तो साइट पर लेके जाने में हमें प्रॉब्लम होगी, बाइक क्रेन या बाइक ट्रक जैसे भी आप लेके जाते हो उसको प्रॉब्लम जाएगी प्लेसिंग में। तो उसमें क्या करते हैं, पोस्ट टेंशन स्लैब करते हैं, जिसमें केवल स्लैब लेके जाते हैं और वहां पर टेंडन्स लगा के, मैंने प्रीकास्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था, एवरीथिंग अबाउट प्रीकास्ट ऐसा कुछ मैंने टॉपिक डाला हुआ है, आप एक बार चेक कर लेना वीडियोस पे, प्रीकास्ट बाय आकाश पांडे तो मिल जाएगा आपको। तो उसमें मैंने साइज वगैरह सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जब ज्यादा स्टील की जरूरत पड़ती है तो उसको क्या करते हैं, साइड पर ले जाते हैं और साइड पर ले जाके वहां पर टेंडन्स प्रोवाइड करते हैं और हाइड्रोलिक जैक के थ्रू उसमें क्या करते हैं, जितना स्ट्रेंथ की जरूरत होती है उतना जैक के थ्रू उसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्लैब है जिनको आपको जानना पड़ेगा। और जैसे वन वे और टू वे स्लैब क्योंकि जनरली यूज होता है तो ये सबको पता रहता है, इसमें एंकर बार क्या होता है, क्रैंक लेंथ क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए अच्छे तरीके से। इसके अंदर चेयर्स लगते हैं, चेयर्स मतलब क्या होता है, ब्लॉक बोलते हैं उसको। साइड पर आपने देखा होगा आपका मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार जब जाता है तो उसके बीच में क्या करते हैं, ब्लॉक्स लगा देते हैं। वो क्यों लगाते हैं, कितने मीटर्स पे लगाते हैं, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो क्यों लगाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स आप उसके ऊपर जब जाते हो, मतलब कि उसके ऊपर चढ़ते हो स्टील के ऊपर, तो आप मटेरियल डालने के लिए जाओगे तो डिफ्लेक्शन आ जाएगा उसके स्टील में, तो क्या करते हैं ब्लॉक्स लगा देते हैं वो एक एक मीटर पे। तो उसे क्या होगा कि मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन मिलता नहीं एक दूसरे से और इजिली हम क्या कर पाते हैं, मटेरियल प्रोवाइड कर पाते हैं। ये छोटी सी गलती होती है अगर आपने नहीं किया अगर साइड पे, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आपका डिफ्लेक्शन स्टील से ही स्टार्ट हो जाएगा और बाद में वो डिफेक्ट करता है, आप देखते हो कि अलग अलग रूप में कभी स्ट्रिंग के जा रहा है, कभी हनीकॉम का प्रॉपर्टीज आ रही है। तो वो सब रीजंस रहते हैं जो कि आपको जानना चाहिए कि भाई अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे। थोड़े से टाइप्स ऑफ स्लैब आप सर्च करके अच्छे से पढ़ डालो और उनके जो टाइप्स ऑफ स्लैब के प्रॉपर्टीज हैं वो जानो कि कौन से प्रॉपर्टीज कहाँ पे यूज करते हैं, और तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ओके टाइप्स ऑफ स्लैब क्या होते हैं। बट वन वे टू वे और फ्लैट स्लैब तो आपको जानना ही है, जो मैंने आपको बता दिया। क्यों, क्योंकि ये तो इन जनरल आपको हर जगह पे यूज करना है। कोशिश करो कि बिल्डिंग में जनरली, मैं बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक्स नहीं ले रहा हूँ, आप समझ सकते हो मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल तो आपको किताबों में मिल ही जाता है। तो कोशिश करो कि बिल्डिंग में आपका स्पैन जो है वो टू वे में आए, क्योंकि टू वे जो होता है वो सेफ स्ट्रक्चर होता है, इकोनॉमिकल होता है, और साथ ही साथ उसमें क्या होता है कि उसमें हमें ये नहीं प्रॉब्लम रहता है कि सपोर्ट कभी इशू आएगा, डिफ्लेक्शन उस पर कम रहता है, टू वे से स्लैब होता है उस पर डिफ्लेक्शन कम होता है। इसीलिए देखो हम ऐसा कोशिश करते हैं कि हमारा जो स्पैन रखा जाए टू वे में आए। आप अपने जिस रूम में बैठे हो, मैं ऐसा बोलता हूँ, देखो क्योंकि देखो अपने आसपास से ही हम स्ट्रक्चर्स को सीख सकते हैं, स्ट्रक्चर एक आर्ट है, ठीक है, मैंने पहले दिन बताया था स्ट्रक्चर एक आर्ट है। कुल मिला के क्वालिटी को गुड विथ लेस क्वांटिटी, क्वालिटी को गुड विथ लेस क्वांटिटी, यही तो स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम है। थोड़ा सा आप हट के भी सोचा करो कि ओके मुझे हायर क्यों करेंगे एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर, क्योंकि क्या हम उनको नहीं पता है कि स्टील ऐसे डाल दो उसके बाद क्या बोलते हैं, स्टील डालने के बाद स्लैब डाल दो। स्ट्रक्चर इंजीनियर अगर आप सोच रहे हो कि मैं थ्योरी पढ़ के हो जाऊंगा, ठीक है, तो नहीं हो सकते हो। कॉन्सेप्ट, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये सब कॉन्सेप्ट हैं, इन कॉन्सेप्ट से आप बनोगे अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर इंजीनियर। क्यों, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट से आपको क्लियरेंस आता है कि और क्या कर सकते हैं। सीधी सीधी बात है, आपको स्टील बचाने के लिए और स्ट्रक्चर को सेफ रखने के लिए ही कंपनी पैसा देती है। तो आपको क्या करना है, आपको हर तरफ सोचना है, क्योंकि यहाँ पे क्रैंक बार एक्स्ट्रा बार कितना डालना चाहिए, ओके लैपिंग यूज करना चाहिए क्या, ओके तो उसमें हमारा कितना स्टील वेस्ट हो रहा है, तो इसके जगह पे कहीं पर स्टील में हम कमी कर सकते हैं क्या, मिनिमम डिफ्लेक्शन कहां तक में कंट्रोल में आ रहा है, क्या 100 mm पे स्लैब ले सकते हैं क्या। आपको बता दूं 100 से 200 के बीच में अप्रॉक्स, जहां तक 5 kN तक का लोड आता है, जहां पर लाइव लोड, वहां पर 100 से 200 के बीच में स्लैब यूज करते हैं। अब बोलोगे नहीं सर 125 करते हैं, 150 करते हैं, नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि अलग अलग टाइप्स के स्लैब हैं, उनके अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, बट अप्रॉक्स जो रहेगा आपको 100 से 200 के बीच में रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल में आपको स्लैब की थिकनेस मिलेगी। अब 100 के नीचे क्यों नहीं आते, एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको ये भी सोचना चाहिए। मैं आपको अगर कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसे इसके नीचे क्यों नहीं आते। आप बोलोगे सर मुझे पता है आपका आंसर क्या होगा, सोचो सर डिफ्लेक्शन ज्यादा आ जाएगा, बस यही रीजन है जिसकी वजह से हम ऐसा करते हैं। तब तो हम उसका कंक्रीट का ग्रेड बढ़ा दें तो काम हो जाएगा हमारा, आई थिंक डिफ्लेक्शन कम कर सकते हैं ना कंक्रीट के ग्रेड से, कर सकते हैं क्या, थोड़ा सोचो। ये लॉजिक्स है, इन लॉजिक से आपको पता चलेगा, ये मैं आपको
आंसर नहीं बताता इसका, आंसर इसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं देखना चाहूंगा व्हाई वी आर नॉट टेकिंग लेस देन 100 mm स्लैब थिकनेस, क्यों नहीं लेते हैं 100 mm के नीचे स्लैब की थिकनेस। अब इसे पता चलेगा कौन कौन पूरा वीडियो देखा और कितना उसको नॉलेज है अबाउट स्लैब। तो अपने व्यूज भी शेयर किया करो, अपने नॉलेज भी शेयर किया करो। इट्स नॉट लाइक एनीवन इज परफेक्ट, एवरीवन ट्राइंग टू लर्न समथिंग। मैं भी सीखता हूँ, आप भी सीखते हो। सो शेयर किया करो अपने क्वेश्चंस को कि सर मुझे स्लैब के बारे में ये कंफ्यूजन होता है। कैसा लगा ओवरऑल आपको ये वीडियो प्लीज बताना। आपको स्लैब में कई ढेर सारी नई इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। अगर कुछ भी नया मिला है तो ठोको लाइक, कुछ भी ज्यादा लाइक नया मिला है तो शेयर बटन पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर शेयर कर दो। क्यों? क्योंकि आपकी ही एनर्जी से मैं डेली आता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, जिससे कि मैं कोशिश करूँ कि इस टाइम रिलेशन को बढ़ाऊँ। मैं लाइव आके आपसे बात करना चाहता हूँ, आपके लेक्चर एक एक घंटे का लेना चाहता हूँ, बट वो तब पॉसिबल होगा जब आपका सपोर्ट ठीक ठाक मेरे पास रहेगा, जब मैं अपने ऑफिस को ही बोल पाऊंगा भाई आज मेरा मन नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा पेट इधर से काम चल जाएगा तो भर रहा है, तो मैं आपको टाइम ज्यादा दे सकूं इसकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इसी तरीके से यूनिक सिविल को प्यार करते रहो, और साथ ही साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे एक मेरे चैनल का लिंक लगा दोगे तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। कोई फी नहीं, यही मेरी फी है। थैंक यू सो मच।